मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा 4 विषय संस्कृत, जिसमें बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक है आलापम। आज हम लोग इसका 5वां पाठ करण कारक इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपके स्कूल से जुड़ा कोई भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आइए बच्चों शुरू करते हैं करण कारक। पहले हम ये जानेंगे करण कारक क्या है। जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होती है अथवा क्रिया को करने में सफलता मिलती है, ऐसा साधन करण कारक कहलाता है। जैसे क्रीडकेन, वयम क्रीडकेन क्रीडामः। यहाँ क्रीडनकेन शब्द से पता चलता है कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जिसे करण कारक कहते हैं। अत्र एक रम्या नदी अस्ति, यह एक सुंदर नदी है। अत्र वृक्षा लता सन्ति, यहाँ पेड़ और लता है। नदी के पानी से माली पेड़ों को सींचता है। पानी से खिले फूल सुगंधित और मनोहर होते हैं। अमर जनक के साथ नदी पर जाता है। प्रिया भी घोड़े के रथ से वहाँ जाती है। मैं भी जनक के साथ जाता हूँ और नदी को देखता हूँ। भुवन पैदल वहाँ जाता है। हम सब वहाँ जाते हैं और गेंद से खेलते हैं। कुछ छात्र वहाँ गेंद के द्वारा व्यायाम करते हैं, खेलते हैं। हिरण के साथ सहयोग खरगोश चलते हैं। कपिल कानों से बहरा है, घोटक पैरों से दौड़ता है। यहाँ बालिका बालकों के साथ खेलती हैं। वहाँ एक तालाब भी है। तालाब के किनारे स्त्रियों का मन प्रसन्न होता है। तालाब के जल से हम सब वस्त्र धोकर और स्नान करके घर आते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में आपको के द्वारा के साथ ये जो है हमारा करण कारक का प्रयोग हुआ है। जैसे गेंद से, गेंद के द्वारा, ये सब जो शब्द है इसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज है जो आपको बुक में भी कंप्लीट करना है और अपने नोटबुक में भी इसे कंप्लीट करना है। यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।